औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के वीडियो में सीखेंगे कि एक टैंक की शेप जो है वो किस तरह बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लाइन कमांड पे क्लिक किया, अभी बेस देता हूँ, बेस मैं देता हूँ, अभी मैंने बेस दिया 10 और अभी वर्टिकल लाइन देता हूँ 5। ये अभी मैंने वर्टिकल दिया 5। ये आर तो जो है ये ऑन करता हूँ ताकि जो है ना ये उसमें मसला ना हो। ये डायरेक्ट 180 या 90 डायरेक्ट देता है, फिर उसमें वो नहीं होगा मसला। तो ये कर्व शेप जो है ना बनाता हूँ 5.5 का, 0.5। ये आप देख सकते हो 0.5 मैंने हॉरिजॉन्टल दिया, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर अभी मैं वर्टिकल पर 0.5 देता हूँ। तो इस तरह इस यहाँ पे जो है ना एक कर्व शेप जो है वो बन जाएगा। स्माल से जो है ना ये इस तरह ग्रो जो है ना स्माल, ये 0.5 के मैं लेंथ देता हूँ। ये मैंने 2 बनाए, अभी जो है ना वर्टिकल पेर हाइट देता हूँ ज़्यादा, 3 देता हूँ, 2 बल के देता हूँ। ये मैंने ठो दिया और ये भी ड्रा हो गया। अभी पेर ये इस तरह ग्रो बनाता हूँ 0.5 का, ये 0.5 पेर, 0.5 और पेर 0.5, ये भी हो गया। अभी पेर 0.5 और हॉरिजॉन्टल 0.5, वर्टिकल 0.5, पेर हॉरिजॉन्टल 0.5, फिर इस तरह वर्टिकल जो है ना एक और हाइट देता हूँ ज़्यादा। ये ग्रो तो बन गया ना, अभी मैंने ये ऐड भी दे दिया। अभी इसको पैर जो है ना ऊपर टॉप जो है वो मैं वो बनाता हूँ, इसकी जो है ये 7 ही देता हूँ, नीचे 10 दिया था और ये 7 जो बाद 3 जो बच जाएगा वो इसकी ढक्कन जो है उसके लिए बच जाएगा। ये ऊपर जोड़ा ढक्कन के लिए वो बनाता हूँ 0.5 का मैंने दे दिया। तो ये बन गया, अभी मैं इंटर करता हूँ और ये बन गया। अभी मैं जस्ट सिंपली इसको सारा सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको रिवॉल्व कमांड के थ्रू रिवॉल्व करूँगा और ये एक टैंकी शेप बन जाएगी। ये भी रिवॉल्व कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं सारा सेलेक्ट करता हूँ। ये तकरीबन हो गया सेलेक्ट, ये सबको अभी इंटर करता हूँ। अभी जो है ना रिवॉल्व जो एक्सेस होता है, रिवॉल्व एक्सेस ओ में देता हूँ, ये दरमियान से देता हो ताकि ये सही तरीके से रिवॉल्व हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, अभी कहता है कि ये एंगल दे दें, तो मैं 360 एंगल देता हूँ ताकि ये 360 रोटेट हो जाए। ये भी हो गया, अभी आपको व्यू दिखाता हूँ किस तरह बन गया ये टैंकी। आप देख सकते हो ये टैंकी बन गई। ये सो इस तरह आप जो है ना इस तरह ये टैंकी आसानी से बना सकते हो विद हेल्प ऑफ ऑटोकैड, मतलब डिफरेंट कमांड यूज़ करके। अभी मैं इसकी व्यू चेंज करता हूँ, ये मैंने रियलिस्टिक में ये चेंज किया इसको, इसमें इस तरह देख सकते हो आप। ये इस तरह आप जो है ना टैंकी बना सकते हो। तो इसकी और भी व्यू मतलब चेंज कर सकते हो, मतलब डिफरेंट व्यू है, कंसेप्चुअल है, डिफरेंट व्यू आप बना सकते हो। ये डिफरेंट शेप है, इसको मैं अभी कलर करता हूँ, सारा सेलेक्ट करें और जस्ट डबल की करें और इसकी कलर जो है ना इस तरह आप चेंज कर सकते हो। आप ये कलर जो है आप मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये मेरा जो है ना फाइनल शेप बन गया। तो आप इस तरह टैंकी या और भी शेप जो है इजली बना सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।